हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में 31 एम्बुलेंस में लगा जीपीएस सिस्टम, एम्बुलेंस पर रहेगी नजर। जिले में कुल 87 एम्बुलेंस पंजीकृत, जीपीएस सिस्टम नहीं होने पर लगेगा जुर्माना। राज्य सरकार के निर्देशानुसार बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय में एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 26 एम्बुलेंस वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया। इससे पूर्व 5 एम्बुलेंस वाहनों में जीपीएस सिस्टम लग चुका था। परिवहन आयुक्तालय के निर्देश के बाद बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय में एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाया। अब कल से एम्बुलेंस पर जीपीएस सिस्टम नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। एम्बुलेंस संचालकों और चालकों ने एम्बुलेंस वाहनों की आरसी परमिट समेत अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर एम्बुलेंस वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगवाए। जिला परिवहन अधिकारी नितिन कुमार बोरा ने कहा कि परिवहन आयुक्तालय ने प्रदेश भर में संचालित एम्बुलेंस वाहनों में व्हील लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाने के प्रावधान तय किया है। चिकित्सालय विभाग की रहेगी निगरानी। बोरा के अनुसार एम्बुलेंस सिस्टम लगे होने से विभिन्न रूटों पर आवागमन कर रहे एम्बुलेंस वाहनों पर चिकित्सा विभाग की निगरानी रहेगी और किसी दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति में नजदीकी एम्बुलेंस वाहनों को मौके के लिए भेजने में भी सुविधा रहेगी। कुल 87 एम्बुलेंस वाहन पंजीकृत, जिले में कुल 87 एम्बुलेंस वाहन पंजीकृत है। शिविर के दौरान 26 एम्बुलेंस को जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। वहीं 5 एम्बुलेंस वाहन पूर्व में ही ये सिस्टम लगवा चुके हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के पाए जाने वाले एम्बुलेंस वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग द्वारा सघन अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों से 5,000 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूल की जाएगी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए नितिन कुमार बोरा, जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर, इन्होंने ये कहा। इसमें हमारे परिवहन विभाग कमिश्नर साहब के आदेश अनुसार सभी एम्बुलेंस वाहनों के अंदर AS-140 मानक के GPS डिवाइस लगाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसके तहत हम जिले भर में जो भी एम्बुलेंसेज हैं उनको हम अपने विभाग के और टीम के माध्यम से और अपने ग्राहक से उनको अग्रेजित कर रहे हैं कि ये AS-140 मानक GPS लगा गया। इसके लिए हम आज विशेष शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं हमारे यहाँ पर ऑफिस के अंदर, और सभी एम्बुलेंस वाले संचालकों से ये हमने फोन से या फिर फील्ड में जाके संपर्क किया है कि वो यहाँ आके अपने GPS लगवाएं। इसके बाद में जो भी वाहन वंचित रह जाएंगे उनके खिलाफ नियमानुसार विभाग के आदेश अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।